बुधवार को जैसे ही गृह मंत्रालय का आदेश आया, हजारों मजदूर अपने घरों के लिए पैदल ही चल पड़े। ये प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हैं। ये तेलंगाना के मांचेरियल जिले से पैदल ही चल पड़े हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि इन्हें खाना तो मिल जा रहा है, लेकिन उन्हें घर पहुंचाने की जरूरत है। अपने को इधर से जाने को पूरा पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग। पूरा सिकंदराबाद से पैदल आ रहे हैं, 150 किलोमीटर दूर आ गए, सुबह से पैदल निकल रहे हैं हम लोग। मजदूर वर्ग की ओर से उठी आवाज और काफी दबाव के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें वापस लौटने की इजाजत दे दी। खबर है कि राजस्थान से 40,000 मजदूर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं और राजस्थान सरकार ने कुछ बसों का इंतजाम भी किया है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की बहुत पुरानी उनकी मांग को सरकार ने अंततः मान लिया, लेकिन जब तक सरकार स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाएगी, मजदूरों का घर पहुंचना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ बसों के भरोसे संभव नहीं है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि अब जब केंद्र ने भी हरी झंडी दे दी है, तो क्या वे बिहारी मजदूरों को वापस बुलाएंगे। हालांकि बिहार सरकार ने इस संबंध में एक नोटिस जारी करते हुए मजदूरों को वापस लाने की अपनी योजना को सामने रखा है। उधर नए आदेश के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर जाने की इजाजत संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में कड़ा रुख अपनाने वाले यूपी ने 25-26 अप्रैल को ही 12,200 प्रवासी मजदूरों को वापस बुला लिया है। अब यूपी अपने 10 लाख मजदूरों को अगले 2 हफ्ते में वापस बुलाने के लिए कमर कस रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत अन्य राज्य भी अपने मजदूरों को वापस बुलाने की पुख्ता योजना बनाने लगे हैं। लेकिन जब तक केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाती है, तब तक प्रवासी मजदूरों की वापसी आसान नहीं होने वाली है। लाखों मजदूरों के इस तपती गर्मी में पैदल चलकर डिहाइड्रेशन के शिकार होने और जान जोखिम में डालने का खतरा पैदा हो गया है। ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि मोदी सरकार को तुरंत स्पेशल बसें और ट्रेनें चलानी चाहिए, जबकि लाखों बसें और हजारों ट्रेनें अपने डिपो में खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं। 31 तारीख बोला, 31 तारीख के बाद में भी अभी और 14 तारीख कर दिया, तो 14 तारीख तक तो कोई भी नहीं जी सकता बाहर का आदमी।